बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग YouTube के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विजिट वीज़ा के मतलब आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और इसके साथ साथ इन तीनों कैटेगरी के जो वीज़े उनकी सर्विस भी आपको दे रहे हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, मलेशिया का जो कॉलिंग वीज़ा है, जो एक कॉलिंग निकलती है, आप उसको चेक किस तरह कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ दोस्तों को नहीं इलम, तो इसलिए मैं दोबारा से फिर वीडियो बना रहा हूँ कि देखें आजकल जो है ना फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से बचने के लिए आप जब किसी मेडिकल करवाते हैं और किसी को पेमेंट देते हैं, ठीक है, तो आप हर चीज़ ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपने ऑनलाइन जो अपनी कॉलिंग है उसको चेक किस तरह करना होता है। हमेशा ज़हन में रखें कि कॉलिंग जो है जब आप ऑनलाइन चेक करते हैं तो उसमें आपका नेम, आपका पासपोर्ट, आपकी नेशनैलिटी, ये तीनों चीज़ें आती होती हैं। ये बात हमेशा ज़हन में रखें। अगर कोई बंदा आपको वैसे सेंड कर देता है जी, तो आप जाके वहाँ पे चेक करते हैं, कोई नेम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक BPA नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आगे जो है वो एक कंपनी का नेम लिखा हुआ है, तो वो चीज़ें जो होती हैं उनको आपने नहीं देखना, उन चीज़ों की तरफ आपने नहीं जाना। हमेशा अपने जो है BPA नंबर और ये सारी जो चीज़ें हैं इनको देखना है आपने। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन है उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें, आने वाली जो भी नई वीडियो होगी बआसानी आपको मिल जाएगी। अब इसमें मैं आपको दो से तीन चीज़ें बताता जाऊँ कि देखें कि जब आप मेडिकल करवाते हैं, मेडिकल करवाने के बाद जो है आप मेडिकल आपका सबमिट होता है, ठीक है, मेडिकल सबमिट होने के बाद जो है आपकी कॉलिंग ऑनलाइन होती है। आजकल जो टाइम लग रहा है आप ये जहन में रखें कि एक महीना लग रहा है, एक महीने के अंदर आपकी कॉलिंग निकल आती है, ऑनलाइन शो हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करें तो 1.5 महीना, इससे ऊपर टाइम नहीं लग रहा। सेकंड, मैं इस वेबसाइट का लिंक भी अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप में से किसी ने हमारे से रब्ता करना हो, कोई क्वेश्चन वो पूछा करें जो वीडियो में हम नहीं बताते, ठीक है ना। आप क्वेश्चन हमारे से इस तरह के करते हैं जो कि सारा कुछ हमने वीडियो में बताया होता है, लेकिन आप हमें जो है फिर वही व्हाट्सएप पे वही जो है मैसेज करते हैं, मैसेज करने के बाद जो है आप हमारे से पूछते हैं ये इस तरह हो सकता है, ये इस तरह हो सकता है, तो थोड़ा सा ख्याल रखा करें, वो चीज़ पूछा करें जो पूछने की ज़रूरत जिसकी हो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो थोड़े से मामला आजकल ख़राब हो रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको इसके ऊपर जो है ना मलेशिया के मतलब कुछ अपडेट्स दूँगा आपको, तो आपने ज़रूर उनको देखना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अब चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ, अपनी जो उस वेबसाइट पे कि आपने इसको चेक किस तरह करना है, ठीक है। एक आसान सा तरीक़ेकार है कि आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है MyMMS। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे ना तो आपके सामने ये जो पहला जो लिंक है इसकी डोमेन की आपने वेरिफिकेशन करनी है ज़रूर, ठीक है। जो पहला लिंक है आपके पास इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको अगर आप ओपन करती हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए आप इसको जब ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एक डिस्प्ले आ जाएगा, ये एक लिंक आ जाएगा। अब देखें जब आपको एजेंट ये बात करता है कि आपकी कॉलिंग ऑनलाइन हो गई है तो वो आपको कोई ना कोई उसका प्रूफ देगा, कोई ना कोई उसका जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स देगा। मिसाल के तौर पे अभी ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स है, इसके ऊपर जो है आपका एक BPA नंबर लिखा होगा, BPA नंबर जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वो लिखा होगा। दो तरीक़ेकार होती हैं, एक या तो आपको कंपनी का पता हो, तो कंपनी का अगर आपको पता होता है तो उसमें ये होता है कि आप जो है वो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे डालते हैं, डालने के बाद जो है आप इस जगह पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, डालने के बाद उसको आप अगर चेक करते हैं तो आपके सामने उस कंपनी के सारे जितने उससे वीज़े इशू हो चुके होते हैं पिछले जितने सालों में, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता होता है। अब उसमें से आपने अपने आप को ढूँढना होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि देखें आप तो बड़े शहनशाह बंदे हैं, आप तो नवाब बंदे हैं, पैसे आपके अपने हैं नहीं, माँ बाप का पैसा है, ज़ाया करने का शौक़ है हमें, शहजादे बंदे हैं हम लोग, तो जिस दिन खुद कमाएंगे हमें पता चलेगा, ठीक है। अभी तो ये है कि माँ बाप चोरी करके लेके आ रहा है, ठीक है,
और उनकी हलाल की तो कमाई है नहीं, आप जिस मर्ज़ी बंदे को दे लें ठीक है, तो वो आपको तो टेंशन नहीं होती, आपने वेरिफिकेशन तो करनी ही नहीं क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। हम कौम ही हमारे जो पाकिस्तानी कौम ही इस तरह की है कि ये बड़ी मसरूफ़ कौम है। आप अगर कहीं पर जा रहे होंगे ना तो इशारा इशारा जो लगा होता है ना ट्रैफिक इशारा, आप देखेंगे ना वो यानी कि इशारा, अभी कोशिश पहले तो ये करेंगे कि लाइट जो है वो यानी कि ऑफ़ ऑन हो रही है, ऑफ ऑन हो रही है ठीक है, तो वो रुकेंगे नहीं, जल्दी से निकल जाएंगे कि यार देखो इशारा लग रहा है, 5 मिनट वेट कर दो, क्योंकि हमने तरक्की बहुत करनी है और इस स्पीड से हम तरक्की कर रहे हैं दिन ब दिन, ये हमें पता ही है। तो मेरी बातों का जो है ना ख़ास तौर पे गुस्सा लगता है उन लोगों को जो फ्रॉडिये होते हैं, जो जंतर मंतर करते होते हैं ना, जो अपना जंतर मंतर चला के लोगों से पैसे जो है ना वो उनके साथ फ्रॉड करते हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इनकी ठुकाई इस तरह की करूँगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे इनके साथ करता क्या हूँ मैं, बस बेफिक्र रहें। जो ये फ्रॉड करते हैं ना, मैं आने वाले दिनों में प्रूफ के साथ और इनकी ये चतरौल करूँगा कि ये मलेशिया में भी लित्र खाएंगे, पाकिस्तान में भी जूतियाँ खाएंगे ये ठीक है, इन्हों की लित्रो लित्र ही इन्होंने हो जाना, इन्होंने हर जगह तो लित्र ही पैने हैं ठीक है। इन्हों की जी है हराम की इन्होंने रोज़ी रोटी वाला सिस्टम बनाया हुआ है ना, ये मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल जड़ा है जो लोग गरीब लोगों के पैसे जाया करते हैं या गरीब लोगों को पैसे लैते उन्होंने इंतजार कराते हैं ठीक है जी, फिर उन्होंने फ्रॉड करते हैं, इन्हों मैं रगड़ा लाने लगे आने वाले दिनों सबर कर लो जवानों, ये वेखियो डे जड़े आ जड़े माड़े बंदे ना मेरे तरह के, वेखियो मैं डे मिलते इन्हों इन की ठुकाई किस तरीके करता ठीक है जी। एक अलहदा टॉपिक है इंशाल्लाह, उसमें बाद में बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग कि आपने कॉलिंग किस तरह चेक करनी है। यहाँ पे मैंने एक लेटर आपके सामने शो किया हुआ है, अगर बात की जाए इस लेटर की, इसको मैं जूम कर रहा हूँ जूम, ये देखें ये आपका लिखा हुआ है BPA, एक पूरा एक नंबर लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लें। इस नंबर को जो भी लेटर आपको एजेंट देगा ना उसके ऊपर ये नंबर मेंशन होगा। हमेशा जहन में रखें कि अब ये लड़के हैं ना ये वाले, ये तो खैर इंडियन लड़के हैं, ये मैंने आप मैं आपको बताने के लिए जो है ना वो ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इंडियन लड़के हैं ये। हमेशा जहन में रखें कि यहाँ पे नाम जो है आपके लिखे होते हैं ना, आपने फिर भी वेरिफिकेशन करनी है मेरे भाई, फिर भी वेरिफिकेशन करनी है। आपने ये वाला जो BPA नंबर है ये उठाना है, ये BPA नंबर उठा के आपने यहाँ पर इंटर करना है। जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे ना, इस BPA नंबर पे जितने भी लोग जिनकी अप्रूवल निकली होंगी, जिनके कॉलिंग ऑनलाइन होगी, उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर ये BPA नंबर आप डालते हैं ठीक है और आपका रिकॉर्ड नहीं आता, समझ लो रगड़ा लग गया, एजेंट ने रगड़ा तुहानू लाता ठीक है जी, ए गल ध्यान च रखियो, तो रगड़ा इस तरीके का लाता ना मुड़ तुसी पिछे पिछे हो अगे अगे ठीक है जी, वीज़ा तो लगता नहीं, तुम अगे अगे जो मगर मगर होंगे जी, अगे अगे होंगे जी, नंबर चेंज हर पला चेंज, चलो जी भजदे वो तो जिधर मर्जी जाना, देखते हो लभिए जी इनू कितने गया किड़े पास मूँह कर गया ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना ये अपने जेहन में रखा करें। अब मैं यहाँ से इसका जो है ये BPA नंबर उठाता हूँ आपके सामने उठाऊँगा, मैं यहाँ से इसका BPA नंबर यहाँ पर इंटर करता हूँ इस जगह पर ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करें। अच्छा जी, मैंने वो अब BPA नंबर जो है वो उठा लिया, उठाने के बाद मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, ये देखें ये मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अब मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये इस BPA नंबर पर जितने बंदे हैं, जितने बंदे जिनकी कॉलिंग जिनकी बायर हो चुका है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, इनका पासपोर्ट नंबर, इनका नेम, इनकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर और इनका BPA नंबर ठीक है, ये चारों चीज़ें जो है ना यहाँ पे शो हो रही हैं। यानी कि अगर यहाँ पे शो हो रही हैं तो 100% आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन हो चुका है, आपका रिकॉर्ड में है, आपकी कॉलिंग ऑनलाइन हो चुकी है। अब देखें यहाँ पे सारी चीज़ें ये शो हो रही हैं ना। अब यहाँ पे आपने अपना नेम ढूंढना है। अब देखें आपको ये लेटर दिया गया, ये वाला लेटर दिया गया ठीक है, किसी की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो खैर ये मेरे दोस्त हैं तो मैंने इस वजह से उनकी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर टोटल हैं 9 लड़के,
यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो नीचे टोटल इनके 9 लिखे हुए हैं। इधर से रीड कर लें, मैं आपको ना इस तरह समझाऊंगा जिस तरह एक कच्ची क्लास का प्ले ग्रुप का जो मुंडा नहीं होता जिन्हों अलिफ बे या एस री के यानी कि स्टार्टिंग जब जिम्मे सिखाई था, या वालदैन जो है जब एक बच्चा छोटा होता है ना तो उसको सिखाते हैं कि रोटी किस तरह खानी है, ठीक है, आपने पानी किस तरह पीना है, ठीक है ना। तो वो वालदैन बच्चे की तरबियत करते हैं, ठीक है। तो मैं ना फरौड़ियाँ की तरबियत करनी है, जोड़े लोग जोड़े गरीबा और फरौड करते हैं, मैं इन्हों की तरबियत इंज कराँगा कि ये याद रखे, ठीक है जी। अब यहाँ से आप देखना कि ये सारी चीज़ आपके सामने रिकॉर्ड में आ रहा है। अब मैं नाम यहाँ से वेरीफाई करता हूँ, ठीक है, ये जो नेम लिखे हुए हैं मैं इनको वेरीफाई कर लेता हूँ। इसी तरह आप यहाँ से नेम जो है वो वेरीफाई कर लेंगे। तो भाई जान यही तरीका है जी इनू चेक करन दा, होर इन्दे तो अलावा तुसी की लैना मेरे को, ठीक है, क्यों मैनू भी तंग करते जे तो आप भी तंग होंगे जे। लेकिन कोई जिहड़ा तुहाडे नाल फ्रॉड करे ना उनका नंबर तुसी मैनू लाजमी देना जे, ता कि मैं ना थोड़ी जी यार उनकी ठकवाई तो करा। मैनू बड़ा मज़ा आता है जिहड़ा किसी गरीब का पैसा खाता है ना, मैनू उनके तो वट बड़ा चलता है, ठीक है। मैं कहना कि मेरा वस चले ना इनू फैट ठोकना चाहिए, वजह होंगी कि यार इन्हों एहसास ही नहीं लोगों का, ठीक है, कि लोग पता नहीं किस तरीके पैसे इकट्ठे करते हैं। कोई अपनी वालदा का जेवर वेच रहा है, कोई अपने जमीन वेच रहा है, ठीक है, कोई की कर रहा है यारा, पता नहीं किस तरह पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये डंगर आते हैं, डंगर जोड़े है सदन उन्होंने को पैसे पकड़ते फ्रॉड करते चल जी तितर बितर। ये चीज़ें जहन में रखें भाई, आपके पैसे जो हैं वो हलाल के हैं, आप पैसे जो माँ बाप आपको पैसा देता है ना उसकी कदर करें। जब आपकी जहन में एक चीज़ सवार होती है ना कि मैं बाहर ही जाना, मैं बाहर ही जाना, बाहर चले जाएगा तो, लेकिन यार घट तो घट वेरीफिकेशन तो करो यार, और कम से कम आदमी को चेक तो करो, सारा कुछ देखो तो सही, बाहर चले जाना आप। अगर आपकी रोटी पानी वहाँ पे लिखा हुआ है ना किसी और जगह पे, जहाँ पे आपका लिखा हुआ आप वहाँ पे जाओगे, लेकिन पैसे ज़ाया ना करो, खुदा के लिए पैसे ना ज़ाया करो, ठीक है। पाकिस्तान के इस टाइम हालात बड़े टाइट है, गया अपना असलाब भी आया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे जाएं उनकी मदद करें, यकीन मानो दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा ख्याल रखो, ये इसका तरीक़ेकार है अप्लाई करने का, सॉरी चेक करने का। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिनी दफ़ा मर्जी चेक करो, चेक कर कर तो वेख वेखते अगर नाम में हो तो खुश होया करो कि यार साड़ी अप्रूवल आ गई, नेम आ गया, शुक्र अदा किया करो, ठीक है ना। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आने वाले दिनों में मैं बता रहा हूँ आपको कि मलेशिया इमिग्रेशन बड़ी एक्टिव हो चुकी है, ठीक, इसके ऊपर प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊँगा, और जिन जिन की ठुकाई होनी है ना, जिन जिन लोगों को उन्होंने पकड़ना है उनका भी बताऊँगा मैं आपको। फिर मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।